लॉन्ग पैरेलल वायर आर प्लेस एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन ए वायर इन एयर ईच वायर हैज ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर पर प्लेट द फील्ड बी एट मिड पॉइंट एंड मिड बिटवीन देम व्हेन करंट इन द वायर व्हेन द करंट इन देम आर इन द सेम डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ठीक है पहले पार्ट पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है ना तो देखिए मिड पॉइंट मध्य पी है तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर जो है मी नॉट अपॉन 4 बाय 2 वाई वन आर होता है ठीक है तो इस करंट आई1 से फील्ड निकाल लीजिए और करंट आई2 से निकाल लीजिए और फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड इज बेटर फॉर दी उनका बेटर संपर्क होते हैं तो चलिए अब डायरेक्शन निकाल लिया करंट आई1 से डायरेक्शन किधर होगा वो तो इनवर्ड करंट आई1 से डायरेक्शन किधर होगा इनवर्ड है ना और करंट आई2 से डायरेक्शन किधर होगा हां आई2 से अपवर्ड होगा हां क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 पाम रूल अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 स्टेस योर फोर फिंगर्स एंड थंब मेजर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सर्टेन directed towards point thumb in the direction of current then push give the direction of field hai na theek hai to dekhiye inward direction mein hai to push inward ja raha to i1 b1 jo ka inward hoga b1 kidhar hoga inward b1 kidhar hoga na ab b2 kidhar hoga b2 ja raha hoga b2 kidhar hoga upward hai na kyunki push upar aayega to net field kya ho jayega net magnetic field b net magnetic field b b1 माइनस b2 हो जाएगा b1 माइनस है ना ठीक है तो इसका मार्क कर देते हैं मार्क ऑफ b1 इक्वल टू मार्क ऑफ b1 माइनस b2 माइनस मार्क ऑफ b1 मार्क ऑफ b इक्वल टू मार्क ऑफ b1 माइनस मार्क ऑफ b2 क्योंकि लीनियर वेक्टर है इसलिए माइनस टू लीनियर भी सबट्रैक्ट हो जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा b1 माइनस b2 तो b1 की वैल्यू क्या होगा बताओ मैं नॉट अपॉन 4 पाई टू आई वन अपन आर वन मी टू वैल्यू मी क्यू नॉट अपन फोर पाई टू आई टू अपन आर टू जैसे देखिए मी नॉट अपन फोर पाई इंटू टू तो दोनों टर्म में दोनों टर्म दबा ले लीजिए आई वन अपन आर वन माइनस आई टू अपन आर ये हो जाएगा मी वैल्यू हो गया आपके मी नॉट अपन फोर पाई मैंने टेन इंटू फोर माइनस सेवन हो गया इंटू टू हो गया आई वन की वैल्यू क्या फोर है आर वन की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू है 8 इंटू 10 रेट पर माइनस 2 8 इंटू 10 रेट पर माइनस 2 ये 4 अपॉन 8 इंटू 10 रेट पर माइनस 2 है ना ये कट करके क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 ना मेट में कोई फील्ड नहीं ठीक है फिर सेकंड पार्ट क्या है कह रहे कि व्हेन इन द सेम डायरेक्शन दूसरा है इन अपोजिट डायरेक्शन अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तब फिर फील्ड की वैल्यू क्या होगी तो सेकंड केस के लिए तो दोनों में एक में हमने अपवर्ड वाला है हैं और दूसरे में डाउनवर्ड ले लेते हैं तो आई1 हो गया ये आई2 हो गया अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी बदल जाएगी ना डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी आई2 की डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज हो जाएगी ठीक है तो देखिए ये आपका आई2 है ये मिड पॉइंट है तो आई2 की फील्ड क्या होता है इनवर्ड आई2 फील्ड क्या है इनवर्ड और I1 की भी फील्ड इनवर्ड है I1 की भी फील्ड इनवर्ड है दोनों फील्ड इनवर्ड है इसलिए यहाँ पर B1 आपका जो क्रॉस फील्ड है और B2 भी आपकी क्रॉस फील्ड है
मैग्नीट्यूड भी लिनियरली सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, वेक्टर बी इक्वल टू होगी, बी इक्वल टू हो गया बी वन प्रेजेंटेड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ड्यू टू करंट वन आई वन और माइनस मैग्नीट्यूड ड्यू टू करंट आई टू। तो ये देखा मेरा करंट अपॉन 4 पाई 2 आई वन अपॉन आर टू हुआ, ये देखा नहीं एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में ऐड हो, तो ये देखा मेरा करंट अपॉन 4 पाई 2 आई टू अपॉन आर टू, ये देखा मेरा करंट अपॉन 4 पाई इनटू 2 आई वन अपॉन आर वन प्लस आई टू अपॉन आर टू, तो ये देखा 10 इज अपॉन माइनस 7 इनटू 2 I1 इक्वल क्या 4, R1 इक्वल कितना है, R1 इक्वल 8 इनटू 10 इनटू 4 माइनस 7 माइनस 2 सर प्लस 4 8 इनटू 10 इनटू 4 माइनस 2 है ना, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 2 इनटू 10 इनटू 4 माइनस 7 इनटू 8 अपॉन 8 इनटू 10 इनटू 4 माइनस 2, ठीक है, एलसीएम कट हो जाएगा, तो 2 इनटू 10 इनटू 4 माइनस 7 प्लस 2 you get 2 into 10 into 1 minus 5 is the answer, ठीक है, this is the answer। और direction क्या होगा, inward ना, inward यह है perpendicular to the plane of the plane in which both conductor lie, क्योंकि upward भी हो सकता है, current का mention है नहीं, हमने down ले लिया upward भी ले सकते थे, अरे current हम upward भी ले सकते थे, both conductor में करेंट आप जैसे इनवर्ड लेने से डाउनवर्ड आ रहा है, अगर आई वन हम डाउनवर्ड कर दें आई टू को अपवर्ड कर दें तो ये फील्ड हमारी अपवर्ड आ जाएगी, रिजल्टेंट रिजल्टेंट पे हमारी अपवर्ड आ जाएगी, इसलिए हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच कंडक्टर आई वन आई टू लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब इनवर्ट आउटवर्ड डिपेंड्स ऑन दी